अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश फोनिक का लेसन करेंगे 18, जहाँ पे हम डबल ओ की साउंड को लर्न करेंगे। तो डबल ओ जो वर्ड्स में आता है ना, तो दो किस्म की इसकी साउंड आती हैं, या ऊ आती है या ऊ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबल ओ की साउंड करेंगे ऊ, जैसे फूड में आती है। तो एक वर्ड है एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास ई है और फिर डबल ओ है, तो डबल ओ की साउंड क्या है यहाँ पे, ऊ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फूल, फूल। ज़ूम, ज़ूम। पूक, पूक। र, ऊफ, ऊफ। ब, ल, ऊम, लूम। तो यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, इनमें डबल ओ की साउंड थी ऊ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं जहाँ पे डबल ओ की साउंड होगी ऊ, जैसे गुड में ग, उड। तो यहाँ पे एग्जांपल है सबसे पहले गुड की, ग, उड, गुड। व, उड, वुड। यह वर्ड कुकी। अच्छा, आई ई की जो साउंड है ना, हम पीछे एक लेसन में कर चुके हैं कि इसकी साउंड आती है ई की, तो ये वर्ड होगा क, उ, क, ई, कुकी। जब जोड़ के बनेंगे तो वर्ड बनेगा कुकी। उक, बुक। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जहाँ पे हमने डबल ओ की साउंड्स देखी, दो साउंड्स देखी, जिसमें एक ऊ साउंड थी लंबी करी और एक छोटी साउंड थी ऊ, जिसमें दो किस्म की साउंड्स देता है डबल ओ। तो फोनिक्स का कमाल ही ये है कि अगर आपने ये दोनों ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि डबल ओ जो है वो क्या साउंड्स दे रहा है, तो बहुत सारे वर्ड्स बिल्कुल बिगनिंग रीडिंग में ही आप जो है वो लर्न कर सकते हैं या बच्चे को सिखा सकते हैं। तो बच्चा फौरन से जो है ना वो रीडिंग को पिक करने लग जाता है। तो इसकी अफादियत देखते हुए मैंने कुछ मशहूर अंग्रेज़ी किताबों से को कंपाइल करके एक फोनिक्स की बुक उर्दू में जो है वो कंपाइल की है। और इस बुक में यही लेसन जो है ना वो डिटेल से दिया हुआ है, सो उस उर्दू में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या साउंड होगी, यही चीज़ जो मैंने आपको लेसन में बताई है। तो इन केस आप इंग्लिश बिगिनर हैं इंग्लिश की रीडिंग के लिए और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कैसे लर्न करें, तो ये फोनिक्स जो है वो एक तेज़ तरीन तरीका है जिससे आप इंग्लिश रीडिंग जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो इन केस आपको ये बुक चाहिए तो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आप मुझे एक डीएम कर दें, एक मैसेज कर दें, तो मैं आपको ये बुक भिजवा दूँ। ये कुछ इसके साइड वर्ड्स भी हैं, बाकी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और नीचे साइड वर्ड्स भी हैं। साइड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते और उनको हमें याद रखना होता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये था हमारा आज का लेसन, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।